साथ में निको भाई भी है। Hey guys, good morning all of you guys. तो आज और एक न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो एज ऑलवेज मैं हूँ मोंटी और आप देख रहे हैं रोड स्मैशर। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आज का ब्लॉग फुल डेडिकेटेड है गायत्री पटेल के लिए, मतलब मिस गायत्री पटेल, जिन्होंने अभी ऑल इंडिया राइड स्टार्ट कर चुके हैं बहुत दिन पहले। अभी नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट किया, अभी तो फिलहाल रिटर्न कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, अभी जा रहा है सिलीगुड़ी। तो ऑन द वे मैं उनसे मिलूँगा, तो देखता हूँ ऊपर तबेज अगर मिल जाए रास्ते पे तो बढ़िया है। मैं तो उनका स्टोरी देख के मैं जा रहा हूँ अभी मिलने के लिए। तो चलिए होप फॉर द बेस्ट। और अगर गायत्री पटेल कौन है आप लोगों को पता नहीं है तो प्लीज़ आप लोगों को शायद नीचे इंस्टा हैंडल आ रहा है उनका, राइडर GP बोल के, तो उनको फॉलो कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो है कौन। तो फिलहाल मैं हूँ नीमती पे, अभी इधर से जाऊँगा मैं सीधा, पहले फर्स्ट मैं पेट्रोल भरूँगा अपना बाइक पे, उसके बाद मैं इधर से सीधा जाऊंगा बैंगदार धावा, जहाँ पे हम लोग गप्पे छप्पे मारते हैं, हम लोगों का ग्रुप का मीटिंग वगैरह वहीं पे होता है। तो मैं वहीं पे जाऊंगा, देखता हूँ अगर इधर जाते हुए अगर रास्ते पे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और साथ में निको भाई भी है तो आज शायद मिल सकता है निको भाई और गायत्री पटेल से, देखते हैं। चलिए होप फॉर द बेस्ट, आई होप कि मिल जाए। तो चलिए अभी पेट्रोल पंप सामने आ चुका है, पहले अपना बाइक पे भी खाना, भाई बाइक को भी देना है खाना, तो बाइक को भी देना बनता है। तो फिलहाल तो मैं अभी दिल्ली पेट्रोल पंप पे हूँ, पहले पेट्रोल का भी जितना दाम बढ़ गया है भाई। ओहो तो डन फिलअप हो चुका है, अभी देखता हूँ गाइस, बहुत नर्वस हूँ, नर्वस मतलब मिल पाऊंगा भी या नहीं उसी बात का, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में चला, माँ ओ मेरी माँ। मैं निको भाई और राइडर गर्ल गायत्री पटेल का जो मैं मतलब स्टोरी दिखा था वहाँ पे, उन्होंने जब स्टोरी डाली थी जब उन्होंने स्टोरी डाली थी तब मतलब बोल रही थी कि वो है बोंगाईगांव का बहुत ही नज़दीक, मतलब 40 किलोमीटर दूर में थी। तो शायद मैं भी इतना टाइम तक बहुत पहले आ चुका है, मतलब अभी देखते हैं कितना देर आए हैं उन लोग, अगर रास्ते पे आई होप मिल जाए, नहीं मिलेगा तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म, मैं इसको अपलोड नहीं करूँगा, तो मिल जाएगा तो फिर अपलोड करूँगा और उन और आप लोगों से उनसे बात करवाऊँगा कि कहाँ का मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। तो ये सब बहुत सारा चीज़ें हैं, क्वेश्चन है, मैं करूँगा आप लोगों से रूबरू करवाऊँगा मैं उनका। तो चलिए अभी ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, फिलहाल तो है हाईवे पे, ये है NH 31, इधर से आप गुवाहाटी, धुबरी, आसाम, नॉर्थ ईस्ट कहीं पे भी जा सकते हैं, दिस इज़ द वे एक्चुअली। तो हाँ ये बिड़ू, और एक बात बोलना चाहूँगा आप लोगों को, माइक में प्रॉब्लम और एक दिखाई दे रहा होगा कि जब मैं थोड़ा ज़ोर से बात कर रहा हूँ ना गाइस, तब क्या हो रहा है मतलब वो वॉइस थोड़ा फट जा रहा है, तो उसका वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इसका, ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, प्रॉब्लम यही है कि मेरा हेलमेट जो है साइज़ मेरा थोड़ा सा टाइट आता है, तो इसी की वजह से जो मुँह का वहाँ पर स्पेस रहता है ना थोड़ा सा, वो
बहुत ही कम है, तो माइक मेरा मुंह का एकदम सामना सामने ही रहता है, ज़्यादा सामना सामने नहीं रहता है, फिर भी थोड़ा सा दूरिया में है। तो उसमें अगर यही लोचा है कि थोड़ा मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ अभी ऐसे ही बात करना मुझे चाहिए, अगर इससे भी ज़्यादा ज़ोर से मैं बात करूँगा तो मतलब वो आवाज़ थोड़ा फट जाता है, तो यही थोड़ा दिक्कत आ रहा है फिलहाल माइक में। और कोई दिक्कत नहीं है, माइक का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस ये मेरा माइक का जो पोजीशन है वो चेंज करना पड़ेगा, और करूँगा भी तो मैं कैसे करूँ यार, हेलमेट पे जगह नहीं है, कैसे करूँ, तो बात यही है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस, और देखते हैं अगर आगे आगे दिनों में अगर और एक न्यू हेलमेट खरीद सके तो बढ़िया सा एक, आई होप कि देखता है आए, सभी तो बोलता हूँ हर टाइम ही बोलता हूँ, देखते हैं देखते हैं, तो देख लेंगे, ये कभी नहीं बोलते हैं, देख लेंगे बोलना चाहिए, देखते हैं नहीं देख लेंगे, हाँ एक हुआ ना बात, देख लेंगे हम भी। तो वेट करते हुए तो देखता हूँ कब तक आते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा ऐसे ही रहे, बाद में मिलते हैं हम लोग से। तो गाइस द वेट इज़ ओवर, तो मैं इतना देर तक जब वेट कर रहा था मैं मैम के लिए और निको भाई के लिए, तो भैया लोग सब आ चुके हैं, भैया आ चुका है, अब मैम भी आ चुकी है, तो मैम को मैं कुछ दो तीन क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं, जो मैम आप लड़कियों के लिए बहुत अच्छी होगी वो, मतलब आपसे देख के थोड़ा इंस्पायर भी हो सकती है वो लोग, तो मैं आपको कहना चाहूँगी आप जो इतना राइड कर रहे हैं ऑल इंडिया राइड, बहुत एक बड़ा राइड के लिए आप निकले हैं, तो कोई परेशानी वगैरह आपको इतना दिन तक कोई हुआ क्या? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, एज अ फीमेल सिर्फ वॉशरूम का इशू होता है, बाकी कोई इशू अभी तक नहीं है, जस्ट बिकॉज की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। लाइक लड़कियों के लिए ये बोल सकती हूँ कि अगर आप किसी ग्रुप के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी सोलो कर रही हूँ तो थोड़ा सा इशू होता है कि सामान होता है, गोप्रो होता है, बहुत कुछ सेटअप होता है, वो ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। और लड़कियों के लिए तो एक जिगरा चाहिए ऑल इंडिया राइड करने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया, आपका राइड तो बहुत ही अच्छा ही जा रहा है, आई होप बाकी आपका जितना भी अभी दिन है वो भी अच्छा ही जाए, तो मैं वो होप करूंगा। और निको भाई अपना मिलेंगे और भी आप मैं एक्चुअली मैं स्टोरी दिखा था सुबह जब मैं नींद से उठा, तो स्टोरी देख के मैं देख रहा हूँ मैं वहाँ पे तो मिल नहीं पाया आपसे, तो स्टोरी देख के मैं सोचा क्यों ना आज मिल लेता हूँ, इधर से जा रहे हैं तो मेरा घर इधर से नीमती से 5 किलोमीटर दूर में, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं सोचा क्यों ना मिल लेता हूँ, निको भाई भी आ रहे हैं, निको भाई से भी नहीं मिला हूँ मैं, तो इसी बहाने मैं देखा तो आ गया इधर, मैं सोच रहा था आप लोग 11-12 बजे शायद डूब जाएंगे इधर, तो मैं वेट करते करते 1 बज गया, चलो कोई नहीं मिल तो लिया, मिल तो लिया, अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है, कोई ज्यादा देर वेट करते तो बुरा भी लगता है और अच्छा ये लगता है कि कोई वेट कर रहा है, दोनों मिक्स फीलिंग हो जाती है। नहीं कोई नहीं, अच्छा लगा मिलके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा निको भाई से और आपसे मिलके मैम, आपका जर्नी बाकी जर्नी एकदम अच्छा जाए, मुझे होप करूंगा, आई विश कि आप सही सलामत घर पहुँचे, ये एक लड़कियों के लिए एक घर के लिए मतलब आपका मम्मी पापा वेट कर रहा है आपके लिए, तो आप सही सलामत पहुँचेंगे तो आपके लिए भी बहुत एक अच्छी बात होगी, और आप तो बहुत एक मतलब आप लोग देखेंगे वीडियो पे, और मैम का भी चैनल है राइडर जीपी, तो आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे मिल जाएगा, और निको भाई का भी चैनल है बड़ा लोग बड़ा चैनल है, और सीरक भाई भी तो और मारा सीरक भाई, मैडम मैडम जी जाके वीडियो अपलोड करेगा ना ग्राफ ऐसे जाएगा अभी तो ग्राफ जाएगा ही, सच में ये बात तो सही हो रहा है। चलो फिर मिलते हैं, आज का बस मुद्दा यही था, मैम से मिलना था और निको भाई से, बस बाकी मिलेंगे और एक बढ़िया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय राइड हट राइड से, ब्लॉग के साथ और राइड के साथ, राइड के साथ जरूर जरूर, तब तक ड्रॉप में याद रखना, ठीक है चलो बाय। तो गाइस मैं अभी निको भाई और गायत्री मैम से थोड़ा राइड करूंगा 10-15 किलोमीटर मेरा निमती तक, तो चलिए देखते हैं क्या मस्ती मजाक होते हैं, चलिए ये रहा निको भाई अपना, भाई है बोल दो कैमरे पे अपना चैनल पे, मेरा चैनल पे हाय बोल दो, हेलो जरूर जरूर
ये सही बोला आपने। जरूर तो चलिए चलो तो सामने है गायत्री मैम, अभी इधर से जाएंगे गायत्री मैम सिलीगुड़ी सागर भैया के पास, सागर बनर्जी जो भैया है सिलीगुड़ी में एओजी का एडमिन, तो उन्हीं के पास जाएंगी मैम अभी। और निको भाई तो अपना वार्ता दे दिया आप लोगों को, क्या कहना चाह रहा था निको भाई, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि निको भाई से भी फर्स्ट टाइम मिला और गायत्री मैम से भी मैं फर्स्ट टाइम मिला, और गायत्री मैम से मैं मिल नहीं पाई क्योंकि वो एक बार आई थी मतलब इधर से वो गई थी तो सिलीगुड़ी पे 26 जनवरी को एक छोटा सा राइड ऑर्गेनाइज किए थे डियर राइडर्स ने, तो वहाँ पे मैं जा नहीं पाया, तो इसी के वजह से मैं मिल नहीं पाया उनसे, तो आज मिल लिया, क्यों ना आज इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, तो मैं मिल लिया मैम से और निको भाई से। और गाइस अभी शायद यहाँ पे मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़ोर से बात करने से मेरा माइक में थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आता है, मतलब भर 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 ऐसा करता है, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा आप लोगों से बातें धीरे धीरे करूँगा। तो सामने है मैम और अपना निको भाई, बहुत अच्छा सा लग रहा है एक साथ ड्राइव कर रहा हूँ, और जो मेरा अगर लड़की में से जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं खुदा, जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं लड़कियों में से, तो गाइस आप लोगों का इंस्पिरेशन सामने गायत्री मैम, फॉलो कीजिए उन्हें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे राइडर गर्ल है, राइडर जीपी है यूट्यूब पे, और इंस्टा पे राइडर जीपी 64 आई थिंक मैं नीचे आ रहा होगा, देख लीजिए आप लोग। तो यही है बस, मज़ा बहुत आ रहा है, और प्लीज़ गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, और निको भाई तो अपना बोल दिए कि मत करना मत करना सब्सक्राइब। निको भाई मैं जाऊंगा इधर, मैं इधर से इधर जाऊंगा, मेरा घर इधर ही है, अब फिर सेफ जर्नी मैम, सेफ जर्नी, ओके मैं इधर से जाऊंगा, ठीक है बाय। सो बाय बाय कर दिया मैंने मैम को।